लाइव चला, पूरा पब्लिक को दिखा, पूरा देश दुनिया को दिखा, 10 लाख का फेल हुआ है यहाँ से। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। एक बार फिर हाजिर हूँ स्पेशल बुलेटिन फॉर बहुजन कम्युनिटी लेकर। इस प्रोग्राम में मिलती है आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरें, वो भी विस्तार से, जिसे गोदी मीडिया अपने अफवाहों के नाराज होने के डर से कभी नहीं दिखाता है। मेरा दावा है कि ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है और इस वीडियो में आपका 5 सेकंड भी बर्बाद नहीं होगा, बेकार नहीं जाएगा। तो बिना देरी शुरू करते हैं आज का स्पेशल बुलेटिन फॉर बहुजन कम्युनिटी। आज 1 सितंबर को सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद करने वाले सामाजिक चिंतक, लेखक, बहुजन साहित्य के प्रचारक, तर्क वितर्क से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाले पेरियार ललित सिंह यादव जी की जयंती है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से और पूरी जनता आवाज की टीम की तरफ से आप सभी को पेरियार ललित सिंह यादव जी की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं और पेरियार ललित सिंह यादव जी के चरणों में कोट कोट नमन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार 31 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी की। इस प्रेस वार्ता के दौरान दोनों ने लगभग 50 मिनट तक सवालों के जवाब दिए, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने पीएम उम्मीदवारी पर सवाल करना शुरू किया, वैसे ही सीएम नीतीश सीट से उठने लगे। इसके बाद केसीआर ने कहा कि जी बैठिए ना, लेकिन नीतीश बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में केसीआर ने उनका हाथ पकड़ लिया और बैठाने की कोशिश की। फिर नीतीश बैठ गए, लेकिन सवालों को टालते रहे। केसीआर जब बैठने के लिए ज्यादा जिद करने लगे तो नीतीश कुमार ने कहा, अरे इनके चक्कर में मत पड़िए, 50 मिनट तो दे दिए। फिर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपने भाषण में मीडिया को संबोधित करते हुए ईमानदारी से काम करने की नसीहत दे डाली। डॉक्टर के अभाव में 5 साल के बच्चे की माँ की गोद में तड़प कर मौत। पत्नी के व्रत के चलते अस्पताल नहीं पहुंचा डॉक्टर। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। जबलपुर के बरगी स्थित शासकीय आरोग्य अस्पताल में जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर एक 5 साल के मासूम बच्चे को समय से इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मासूम ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। दरअसल बरगी के नजदीकी चरगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तनेटा देवरी से बालक ऋषि परिंद्र उम्र 5 वर्ष को बुधवार सुबह इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, तो वहां पर पदस्थ डॉक्टर अस्पताल में उपस्थित ही नहीं थे। मृतक बच्चे के परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज मिल जाता तो मासूम की जान बच जाती। तो वहीं दूसरी तरफ कई घंटे देरी से पहुंचे अस्पताल के डॉक्टर ने देरी से आने की जो वजह बताई, उसने सबको चौंका दिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि एक दिन पहले उनकी पत्नी का व्रत था, इसलिए मुझे अस्पताल पहुंचने में देर हो गई। कितनी शर्मनाक और घातक बात है कि जब देश के डॉक्टर भी अंधविश्वास में रहकर किसी मासूम की हत्या की वजह बन जाए। इस खबर के ठीक विपरीत ये खबर देखिए, जब पुर्तगाल में एक भारतीय गर्भवती की अस्पताल में बिना इलाज के मौत हो जाती है तो वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री मार्ता टेमेडो इस्तीफा दे देती हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हम अपने देश के किसी राज्य में या केंद्र में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। अगली खबर पंजाब से निकल कर आ रही है, जहाँ चर्च में तोड़फोड़ की घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना बीते मंगलवार 30 अगस्त की रात की है। कुछ अज्ञात लोगों ने बंदूक की नोक पर सुरक्षा गार्डों को पकड़कर चर्च परिसर में रखी ईसा मसीह और मदर मेरी की प्रतिमा को तोड़ दिया था, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पंजाब के तरन तारण के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बहुजन समाज पार्टी यूनिट पंजाब ने इस घटना की घोर निंदा कर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। खेत से मूर्ति निकालने का प्रचार कर कमाए 2 दिन में 35,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पिता पुत्रों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां ऑनलाइन मंगवाकर उन्हें खेत में गाड़ दी। उसके बाद लोगों को बताया कि खेत में 500 साल पुरानी मूर्तियां निकली हैं, जिसके बाद लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों ने प्रसाद के साथ चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर खेत से मूर्तियां निकलने और पूजा करने की खबर फैली तो मूर्तियां देख गांव के डिलीवरी मैन ने उन्हें पहचान लिया और आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने के आरोप में पिता पुत्र दोनों के बारे में पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें, यह लड़का वही डिलीवरी बॉय था जिसने मूर्तियां ऑनलाइन उन बाप बेटों तक पहुंचाई थी। मंगाया है ये ऑनलाइन मंगाया है ये
गले वाले नहीं, ये ऑनलाइन मंगाया है, ये देख लो, ये गोरे लाल ने डिलीवर किया है, ये देख लो ना। ये मामला असीमत थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का है। महमूदपुर गांव के निवासी अशोक और उनके दो लड़के पिछले दो दिनों से गांव के लोगों को ये बहला फुसला रहे थे कि उनके खेत में कोई सपना आया है जिसके माध्यम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मूर्तियां निकली हुई हैं और वहां पर अपनी मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे। तो प्रथम पहली बार उनको समझाया गया, बाद में जब इस मैटर की जांच की गई तो पाया गया कि ये मूर्तियां उन्होंने नजान से बनाई हुई थी, इसके प्रमाण भी मिले हैं और गांव के लोगों को सही बात बताई गई और ये जो लोग लोगों को बहला फुसला रहे थे, बरगला रहे थे, उनकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। भारत में रोजगार के आंकड़ों पर काम करने वाली स्वतंत्र संस्था CMIE ने देश में 15 से 24 साल के लोगों में रोजगार दर को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। CMIE जारी आंकड़ों के अनुसार युवाओं में रोजगार दर 20.9 से घटकर 10.4 रह गई है, यह पिछले 5 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। साल 2017 में युवाओं में रोजगार दर 20.9 था, जो आगे जाकर मार्च 2018 में 17.9% तक पहुंच गया था। साल 2019-20 और 21 में यह गिरावट जारी रही। साल 2021 में यह घटकर 10.4% रह गई है। CMIE के इस आंकड़ों को साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने रोजगार को लेकर युवाओं के इंतजार को लेकर सवाल उठाए हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि युवाओं में रोजगार दर 20.9% से घटकर 10.4% रह गई है, यह पिछले 5 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी सभी विभागों से रिक्त पड़े 1,00,000 पदों को भरने का आग्रह किया, पर अब तक कोई भी विभाग ठोस कार्य योजना नहीं बना सका। संघर्षशील युवा कब तक इंतजार करेगा? बीजेपी कार्यकर्ताओं को जनता ने खदेड़ा। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोनू ग्राफिक्स BSP नामक ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर लिखा है कि पहले मोदी लहर था, अब अंधभक्तों के बदन में लहर रहे हैं। झारखंड में छात्रों ने शिक्षक को बंधक बनाकर पीटा। झारखंड के दुमका में नवी कक्षा के बच्चों के प्रैक्टिकल में नंबर कम आए तो छात्रों का गुस्सा अध्यापकों पर उतरा। छात्रों ने अध्यापकों को बंधक बनाकर पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें छात्रों ने अध्यापकों को पेड़ से बांध रखा है। लाइव चला, पूरा पब्लिक को दिखा, पूरा देश दुनिया को दिखा। 10 लड़का फेल हुआ है, 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चला, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। पीड़ित शिक्षक कुमार सुमन ने बताया, छात्रों ने उन्हें मीटिंग करने के बहाने फोन करके बुलाया था। छात्रों ने कहा था कि उनका रिजल्ट खराब हो गया है, इसलिए वे उनसे बात करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों का आरोप है कि शिक्षकों ने उन्हें जानबूझकर प्रैक्टिकल में कम नंबर दिए, जिस कारण उन्हें अपनी परीक्षा छोड़नी पड़ी। घटना की जानकारी होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाया। यूपी के सीतापुर जिले से 7 बच्चों के पिता का 5वां निकाह करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। चोरी छिपे हो रहे निकाह के दौरान पत्नी और उसके 7 बच्चों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और पिता को भी मौके पर मारा पीटा। पिता और बच्चों के हंगामों के बीच शादी के लिए आई 5वीं दुल्हन मौका देखते ही फरार हो गई। शादी करने वाले शख्स की बड़ी लड़की का कहना है कि पापा, मम्मी और हमें 6 महीने से पैसा नहीं देते हैं। आपको बता दें कि 5वीं शादी करने वाले के पहले से ही 3 बड़े और 4 नाबालिग बच्चे हैं, 4 पत्नियां हैं। तो ये थी दिनभर की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी थी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।